ओम शांति। 21/8/21 के आज के महावाक्य 21 जन्मों की बादशाही लेने के लिए बाबा ने आज दिव्य गुण बच्चों को धारण करने हैं ये कहा है, उसमें विशेष ईमानदार बच्चों की निशानियाँ, वो निरअहंकारी होंगे, धैर्यवत होंगे और कभी डिससर्विस नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, योग का बल उनके अंदर होगा, जिस बल से ही सर्व गुणों को सर्व शक्तियों को अपने अंदर धारण करेंगे। तो बहुत ही अच्छे और धारणा युक्त बाबा के आज के मधुर धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। जैसे शिव बाबा का रीइनकार्नेशन हुआ है, ऐसे ही बच्चों का भी संगम युग पर अलौकिक जीवन है, तो इसको कहेंगे रीइनकार्नेशन अर्थात अवतरण। क्वेश्चन है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? आंसर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वो बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं, उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। दूसरा, वो किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। गीत के बोल हैं, धीरज धर व मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। आ गए सुख का सागर, बाबा बच्चों के पास आया तो सुख की दुनिया में ले जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहा है और संगम युग पर बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आदत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं, अब यह तो है बेहद का बाप। बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं, बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी ये थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रहे औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियाँ होना, शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। ये गोप भी आत्माएं हैं, भाई भी आत्माएं हैं, ये सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो, बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। याद में रहे शक्ति लेते जाओ, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी, कितनी, जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। उंगली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को अर्थात गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं, बाप की याद से ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठ करके सीखो। है बहुत सहज।
बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, पर कौन सी जिनकी शादी की हुई वो कहती हैं, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं ना, परंतु खराब संग से नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं, कहती हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी आदि आदि। तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ फलाने प्रांत का हूँ, यह भी नहीं रहना चाहिए। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ ही नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर बैठ नहीं सकता। बाबे जानते हैं कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है और जरा भी देही अभिमान नहीं है। कोई कोई को बड़ा अहंकार रहता है, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की। कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखना चाहिए, फलाना ऐसा है, यह ये करता है। आजकल ऐसे भी शाने हैं जो एक दो की डिस सर्विस का गायन करते हैं, फलाना यह करता है ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं, सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वो धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे मारुतियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते। बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसा करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, कौन सी कहावत कौन सी है, चूहे को मिली हल्दी की गांठ मिली। हाँ, हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी हूँ। यही नहीं समझते हम ये डिस सर्विस करते हैं। भूलें तो बहुतों से होती रहती हैं। कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, ये चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूले छिपा लेते हैं, इसमें बड़ा क्या चाहिए, निरअहंकारी पना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसी की निंदा करूँगा तो वह भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को ये ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं तुम अपनी सर्विस में लग जाओ। औरों को क्यों देखते हैं, अवगुण क्यों देखते हैं, अपने को देखो,
और सर्विस में लग जाओ। सर्विस में बिजी होंगे तो और बातों पे ध्यान नहीं जाएगा। कहाँ भी जाता है, बिजी लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। अभी तुम शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुखवन शावली हो, जिनमें पांच विकार हैं वो हैं आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रही हो। देवताएं यहाँ तो है नहीं, बन रहे हैं ना, देवताएं होंगे सत्युग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो, प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा नहीं सकेंगे, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से भी नशा चढ़ेगा। रोज बाबा नई नई पॉइंट सुनाते हैं, रेगुलर पढ़ेंगे, सेवा की बाबा पॉइंट सुना रहे हैं और सुनाते रहते हैं, वो सुनेंगे तो नशा चढ़ेगा और फिर हम सेवा करेंगे। बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विकर्म विनाश होंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको याद ही नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते, ना सवेरे उठ सकते। उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं ना, उनकी तो उतरती कला है। यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितनी विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वह तो छोटे बच्चे भी सीखकर समझाने लग पड़ते हैं। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन। ये बच्चों को नशा रहता है, हाँ बाबा पूछ रहे, नशा रहता है ना। माया किसी को धोखा देती है तो हम उसको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहें। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं, कोई देही अभिमान में आकर समझते हैं ये ऐसे करते हैं ये ऐसे करते हैं। औरों की ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में रहना है, सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह है शिव बाबा और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गायब हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे, ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। कितना क्लियर कर समझाया जाता है। तो बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, बीमार पड़ जाओ तो फिर क्या करोगे। हाँ बाबा पूछ रहे, बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे, फुर्सत नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से कैसे होगा।
समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, मरे हुए को जिंदा करो, ऐसा थोड़ी बुलाते हैं। ये तो हर आत्मा का पार्ट है, पूरा होता है एक शरीर संबंधों द्वारा, दूसरा आत्मा जाकर के शरीर लेती है, दूसरे संबंधों द्वारा पार्ट बजाती है। इसमें भगवान क्या कर सकता है, कुछ नहीं। बाबा तो आकर के पतित से पावन बनाता है, बस दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी कहते हैं आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ, वह है ही पतित पावन। भारत पावन था ना, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर पतित बनाती है, अब फिर मैं आया हुआ हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भाभी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह हैं हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। वह सन्यासी हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भाव, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे, मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता शांति सुख का सागर है, तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसी थोड़ी सिर्फ देवता ही कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है। देही अभिमान ना आए, कौन सा अपने ऊपर ध्यान देना है कि देही का अभिमान अहंकार ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ेंगे, तुम भी कहते हो हम भारत को शिष्टाचारी बना करके ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना, कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी ये संशय नहीं लाना चाहिए, संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ेंगे, टाइम बहुत थोड़ा है, थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा, तो देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते, फिर उस समय कसम कशा तो कर नहीं सकेंगे, उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ, यह है आत्माओं की रेस। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना नई दुनिया में, बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएंगे कौन, जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम में तो सबको, मुक्ति धाम तो सबको पसंद है ना, फिर आएंगे पार्ट बजाने। मोक्ष किसी को मिलता नहीं, हिस्ट्री ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है ही नहीं। एक सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त तो हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त तो होना ही है, जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। तो बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है, दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों ने भी कोई कोई
ऐसे हैं, वहाँ पर हैं बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में। दुर्वासा ऋषि वो कहते हैं क्रोध आदि करते थे, तो बाबा कहते हैं राज ऋषि हैं, इनमें भी कोई कोई ऐसा है। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता, बाप की सर्विस में तो हड्डियाँ भी देनी हैं, करते भी हैं। फिर कहाँ, देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता है और फिर गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है, बाप की श्रीमत पर ना चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारकती दे देते हैं। बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है। अंडरलाइन, अगर कोई डिससर्विस कर भी रहा है, हम इधर उधर ना करें, उसका गायन नहीं करना। परचिंतन में अपना समय नहीं कमाना है। सेकंड पॉइंट, ईमानदार और निरअहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। बाबा ने कहा ना, झुटके नहीं खाने, आलस्य अलबेलापन छोड़, प्यार से बाबा को याद करो। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। त्रिमूर्ति का सर्टिफिकेट माना स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट और परिवार से संतुष्ट। ये त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाली ऊंच पद के अधिकारी भाव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए, बाबा से भी परिवार से भी ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप आप और परिवार, बाप आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो। कौन सी छोटी सी बात? छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो, बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो, परिवार को संतुष्ट करने के लिए निष्काम बनो, और बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो, और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी बना देंगे। निष्काम, सच्चे और श्रीमत पर चलते रहो, तब 3 का सर्टिफिकेट मिलेगा। स्लोगन, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान हैं। जो चित्र को न देख माना देह को नहीं देखते, चैतन्य आत्मा है और उसका चरित्र वह देखते हैं, तो वही श्रेष्ठ चरित्रवान बनते हैं। आज की तपस्या की पॉइंट है, जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, हमारी दादियों ने अभ्यास किया, चल रही हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है जो दूसरे समझते हैं ये तो लाइट जा रही है। इतने हम लाइट हो जाएं जो दूसरे को लाइट अर्थात फरिश्ते नजर आएं, हल्के नजर आएं। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से
हर प्रकार के पेपर में पास हुए। अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। हमारी स्थिति, हमारी वृत्ति, दृष्टि ऐसी हो जो हम स्वयं लाइट आत्म अभिमानी रहें, परम लाइट शिव बाबा की सदा याद रहे, तो कोई भी आएगा या कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति दृष्टि वृत्ति से खराब है या कोई उसके मन में हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स हैं, वो परिवर्तन हो जाएगा। यही है हमारी सेफ्टी। दादी जी की विशेषता है, आज की मुरली से संबंधित ही है, किसी के अवगुण को चित पर नहीं रखा, सदा गुण ग्राही रही। दादी सदा कहती थी, बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है कि तुम्हें मेरे सब बच्चों को संभालना है। मैं तो समझती हूँ, बाबा ने जब मुझे ये ड्यूटी दी तो संभालने के साथ साथ मुझे सबके साथ चलना भी है, चलाना भी है, मुझे सबके साथ निभाना भी है, मुझे सबका समाना भी है, कोई भी बात को समा लेना। मैं कभी यह नहीं कह सकती ये फलानी या फलाना ऐसा ही है, इसे छोड़ दो आदि आदि। छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? ना मुझे किसी को छोड़ना, ना किसी से दूर होना। बाबा का बना है तो उसे भी संभालना है, चलाना है। मैं किसी की खामी को बुद्धि में रख कर के नहीं चलाती। मैं यह मंत्र सदा याद रखती हूँ कि किसी का अवगुण चित पर ना धरो आदि आदि। अवगुण चित पर धरने से वैसी ही वृत्ति और व्यवहार हो जाता है। बाबा के हर बच्चे में कोई ना कोई गुण विशेषता है, विशेष गुण है, इसलिए दादी जी सदा गुण ग्राही बन करके रही। ऐसे ही हमें भी, जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, किसी का अवगुण या डिससर्विस करता है उसका गायन नहीं करो, इधर उधर नहीं फैलाओ, इसमें टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। हर आत्मा के गुण अर्थात विशेषता देखो। ओम शांति।